हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है समीक्षा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जैसे कि हमारी पिछली भी एक्सरसाइज चल रही है, चार एक्सरसाइज हो चुकी हैं, आज पांचवी एक्सरसाइज पर चर्चा करेंगे। इसके प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है, एक पारितंत्र में प्रकाश संश्लेषी पादप होते हैं। ऑप्शन है आपके उत्पादक, अपघटक, प्रीडेटर्स या प्राथमिक अपघटक। आपका आंसर है उत्पादक, यानी कि प्रकाश संश्लेषी उत्पादक होते हैं घास। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक बड़ी मछली किसी छोटी ऐसी छोटी मछली को खाती है जो फाइटोप्लैंकटॉन्स खाए जलीय पिस्सुओं के भोजन के रूप में ग्रहण करती है, बड़ी मछली होती है, इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, इस खाद्य श्रृंखला में सर्वोच्च उपभोक्ता। आपका आंसर है प्राथमिक उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी स्थान की वनस्पति निर्भर करती है, किस पर करती है किसी भी स्थान की वनस्पति? ऑप्शन है आपके प्रकाश की मात्रा पर, मृदा के प्रकार पर या वर्षा पर, मृदा जल पर। आपका आंसर है बी होगा, मृदा के प्रकार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन जैव कारक है? ऑप्शन है आपके वायु, मृदा तथा टोपोग्राफी या फिर प्रकाश, जल तथा खनिज लवण या पादप व जंतु या तापमान तथा जंतु। आपका आंसर है सी, पादप व जंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव गतिविधियां किससे न्यूट्रिफिकेशन की गतिविधियों को तेज कर देती हैं? ऑप्शन है आपकी नदी, झील, समुद्र, सरिता। आपका आंसर होगा झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा की सतह का अपरदन होने का कारण है, यानी कि जो मिट्टी है उसकी सतह पे जो अपरदन होता है उसका क्या कारण है ज़्यादातर? तो आपके ऑप्शन है तेजी से होता औद्योगिकरण, वनों का विनाश तथा खनन, आधुनिक कृषि तकनीक या मानव जनसंख्या। आपका आंसर है वनों का विनाश तथा खनन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहभागिता का आशय है। ऑप्शन है आपके दो या दो से अधिक तरह के जीवों का एक साथ रहना, दो या दो से अधिक तरह के जीवों के आपस में संबंध, दो या दो से अधिक तरह के जीवों का समूह जो एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं, या फिर दो या दो से अधिक जीवों के बीच संबंध जिससे एक प्राणी को दूसरे से कभी हानि नहीं हो सकती है। आपका आंसर है ए, दो या दो से अधिक तरह के जीव जो एक साथ रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जैव विविधता को संरक्षण और रक्षा प्रदान कर सकता है? ऑप्शन है आपके इको, पारिस्थितिक विकास, बायोस्फीयर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान या गेम अभ्यारण्य। आपका आंसर है बी, बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तानी प्राणी अपना कार्य रात के समय ही करते क्यों करते हैं? वे रात के समय अच्छे देख सकते हैं, या उनको रात में पर्याप्त भोजन मिलता है, या उनका शरीर रात के लिए अनुकूल है, या तापमान कम रहता है इससे पानी कम नष्ट होता है। आपका आंसर है सी, उनका शरीर रात के लिए अनुकूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची है इसमें आपको उत्पादक कौन से पोषक स्तर के आधार पर, जैसे उत्पादक, अपघटक, द्वितीय उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता। तो आपका इसमें ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 6 जून, 10 अगस्त, 2 अक्टूबर। आपका आंसर है 5 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, धरती पर प्राणियों और पौधों का अनुपात है 10:1, 1:4, 12:1, अनिश्चित। आपका आंसर है अनिश्चित। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वभक्षी प्राणियों का ऊर्जा स्रोत होता है प्राथमिक उत्पादक एवं प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता एवं द्वितीयक उपभोक्ता, प्राथमिक उत्पादन एवं उपभोक्ता और मांसाहारी, प्राथमिक उत्पादक एवं मांसाहारी और अपघटक। आपका आंसर है सी, प्राथमिक उत्पादन एवं उपभोक्ता और मांसाहारी, ये सर्वभक्षी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से पारिस्थितिक तंत्र को उनकी प्राथमिक उत्पादकता के बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, बताना है, यानी कि बढ़ते क्रम में पहले कौन सा आएगा? आपका आंसर है रेगिस्तान पहले होगा,
फिर महासागर, घास के मैदान, उसके बाद उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव निर्मित पारितंत्र का उदाहरण है समुद्र, तालाब, खेत, वृक्ष। आपका आंसर है सी, खेत। मानव द्वारा खेत पारितंत्र किया जाता है खेतों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्तर पर सर्वाधिक उत्पादकता दर्शाते हैं रेगिस्तान, घास के मैदान, वन या जल पारिस्थितिक तंत्र। आपका आंसर है वन, जो विश्व स्तर पर सर्वाधिक उत्पादकता दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव जनसंख्या को अच्छी तरह जीवित रहने के लिए निम्न में से कौन सा चरण अति महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है आपके वन्य जीव का संरक्षण, विभिन्न खेतों में कमी, या खानों में काम पर प्रतिबंध, या एफोरेस्टर्स। आपका आंसर है वन्य जीव जीवन का संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान जीवों की सभी जनसंख्याओं के योग को क्या कहते हैं? कॉलोनी, समुदाय, जीनस, जाति। आपका आंसर है जाति, स्पेसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या के प्रामीण में दर्शाए जातीय संख्या उसको क्या बोलते हैं? एक समुदाय के जीवों की संख्या, या एक ट्रैफिक स्तर के जीवों की संख्या, या एक दिए गए क्षेत्र में जातियों की संख्या, या एक दिए गए समूह में उपजातियों की संख्या। आपका आंसर है बी, एक ट्रैफिक स्तर पर जीवों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरीनीकरण पानी को शुद्ध करने का एक प्रक्रम है। क्लोरीन की रोगाणुनाशी क्रिया का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है पानी में क्लोरीन मिलाए जाने पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का बनना, पानी में क्लोरीन मिलाए जाने पर हाइड्रोक्लोरस अम्ल का बनना, पानी में क्लोरीन मिलाए जाने पर नवजात ऑक्सीजन का बनना, या पानी में क्लोरीन मिलाए जाने पर हाइड्रोजन का बनना। आपका आंसर है पानी में क्लोरीन मिलाए जाने पर हाइड्रोक्लोरस अम्ल का बनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस जनसंख्या में सदस्यों के बीच प्रतिस्पर्धा तीव्र होती है उन्हें उनके वितरण को क्या कहते हैं? आकस्मिक, एक स्तर, अनियमित, या आकस्मिक। आपका आंसर है आकस्मिक, रैंडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए उत्पादक है, बी प्राथमिक उपभोक्ता है, सी द्वितीयक उपभोक्ता, एवं डी अपघटक है। तो इनमें से सबसे ज़्यादा ऊर्जा किस में अधिक होगी? ए में, या बी में, या सी में, या डी में? आपका आंसर है ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक स्थायी पारितंत्र कौन सा है? पवन, रेगिस्तान, वन, महासागर। आपका आंसर है महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है अधिक चराई रोककर, या उचित वृक्षों का रोपण करके, शैवाल, जीवाणु, लार्वा, मछली से, या शैवाल, लार्वा, मछली, प्रोटोजोआ के माध्यम से। आपका आंसर है उचित वृक्षों का रोपण करके, यानी जितने हम वृक्ष लगाएंगे उससे ज़्यादा आपको मृदापन अपादन अपन रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी एक श्रृंखला में सबसे बड़ी समष्टि उन किन की होती है? अपघटकों की, उत्पादकों की, प्राथमिक उपभोक्ताओं की, तृतीयक उपभोक्ताओं की। यानी कि एक कृषि श्रृंखला में सबसे बड़ी समष्टि आपका आंसर है उत्पादकों की होगी, यानी कि हरे पेड़ पौधों की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुस्थल में ऊंट उपयोगी होता है, क्यों होता है मरुस्थल में, रेगिस्तान में? ऑप्शन है आपके, ये अत्यधिक मात्रा में दूध एकत्र कर सकता है, या उपापचय क्रियाओं के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है, या ये दूर से ही जल पर गंध पा लेता है, या इससे जल की आवश्यकता नहीं होती। आपका आंसर होगा उपापचय क्रियाओं के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है इसे, इसलिए ये ऊंट मरुस्थलों के लिए उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी खाद्य श्रृंखला में संपूर्ण जैव पदार्थ दर्शाया जाता है ऊर्जा पिरामिड के माध्यम से, या संख्या पिरामिड के द्वारा, या जीव भार के पिरामिड के द्वारा, या सभी के द्वारा? आपका आंसर है जीव भार के पिरामिड द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न युग्मों पर विचार कीजिए, जैसे कि संरक्षित क्षेत्र हो, ये किसके लिए जाना जाता है? आपका आंसर है भीतरकनिका उड़ीसा में, लवर जलीय मगरमच्छ, या मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में सारंग के लिए, या एराविकुलम केरल हुलुक गिबन के लिए? आपका आंसर है एक और दो, यानी कि एक और दो सही हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो पृथ्वी का तापमान में क्या होगा? तापमान वर्तमान से बढ़ने लगेगा, या वर्तमान से घटने लगेगा, या ऑक्सीजन की मात्रा पर आश्रित होगा, या जैसा है वैसा ही रहेगा? आपका आंसर है वर्तमान से घटने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है कर्नाटक, अंडमान,
दार्जिलिंग जम्मू कश्मीर। आपका आंसर है दार्जिलिंग। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप नए यूजर हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप इस वीडियो की PDF पाना चाहते हैं तो फेसबुक और टेलीग्राम के माध्यम से हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।